प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जांजगीर में लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि हमारा देश पिछले 10 वर्षों में एक लंबा सफर तय कर चुका है, लेकिन अभी भी बहुत काम बाकी है। पिछली सरकार ने छत्तीसगढ़ में मेरा काम आगे नहीं बढ़ने दिया। अब विष्णुदेव साय यहाँ है तो वह काम भी मुझसे ही पूरा करना है। पीएम मोदी ने कहा कि 10 साल आपने मुझे देखा है, मैं हमेशा आपके लिए दौड़ता रहता हूँ, काम करता रहता हूँ, एक दिन भी छुट्टी लिए बिना काम करता रहता हूँ, सब आपके लिए ही कर रहा हूँ, मैं अपने लिए कुछ नहीं करता। बाकी नेताओं को तो अपने बच्चों के लिए भी कुछ करना पड़ता है। मोदी के लिए तो जनता ही परिवार है। मैंने आप लोगों से जब भी आशीर्वाद मांगा, मुझे झोली भर कर दिया गया है। इस बार भी आपको 7 मई को भाजपा के पक्ष में मतदान करना है। आपके भरपूर आशीर्वाद लेने के लिए मैं आपके पास आया हूं। पिछले 10 साल में अपना देश बहुत आगे आया है, लेकिन बहुत सारा काम बाकी है। और छत्तीसगढ़ में तो मुझे पिछली सरकार ने मेरे कोई भी काम यहां आगे बढ़ने ही नहीं दिए। अब विष्णुदेव जी है तो वो काम भी मुझे पूरे करने हैं। दस साल आपने मुझे देखा है, मैं लगातार आपके लिए दौड़ता रहता हूं कि नहीं दौड़ता रहता हूं, काम करता रहता हूं कि नहीं करता रहता हूं, एक भी छुट्टी लिए बिना काम करता हूं नहीं करता हूं, भरपूर मेहनत करता हूं कि नहीं करता हूं, और सब आप ही के लिए कर रहा हूं ना। मुझे बताइए, आपके लिए कर रहा हूं ना, मेरे लिए तो नहीं कर रहा हूं ना। बाकी नेताओं को तो अपने बच्चों के लिए कुछ करना होता है, मोदी के लिए तो आप ही मेरा परिवार है। अब मुझे बताइए, आप लोग तो बहुत उदार है, बहुत आशीर्वाद देने वाले लोग हैं, और मैंने जब जब आपसे आशीर्वाद मांगा आपने कोई कमी नहीं रखी, लेकिन आज मैं आपसे आग्रह करने आया हूं। अगर मोदी, आप कहते हैं इतना काम करता है, सब लोग सोशल मीडिया में कहते हैं मोदी कितना काम करता है, अब मैं आपसे एक और बात कहना चाहता हूं। अब मोदी इतना सारा करता है, क्या आपको मोदी के लिए 1 घंटा निकालना चाहिए कि नहीं निकालना चाहिए? 1 घंटा निकालना चाहिए कि नहीं निकालना चाहिए? 7 मई को वोट देने के लिए मोदी के लिए 1 घंटा निकालोगे? जरा हाथ ऊपर करके बताओ, निकालोगे? मोदी को वोट करोगे? पक्का करोगे?